सभी को नमस्ते। मेरा आज का टॉपिक है व्यक्तिवाद क्या एवं उससे मुक्ति कैसे। तो प्रचलित शिक्षा में अपन देख ही सकते हैं कि अपन हर चीज में अपना देखते रहते हैं कि अपना खुद का कैसे अच्छा हो जाए और परिवार में कैसा हो जाए। तो अपन एक दायरा बना लेते हैं ना, फैमिली वाइज और खुद का कैसे हो जाए अच्छा अच्छा, मतलब कि हित लाभ के उसमें ही देखते रहते हैं। और फिर एजुकेशन में भी जब बच्चा बड़ा होता है, फिर बच्चे जाते हैं अपन एजुकेशन में शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पर भी अपना एक दायरा बन जाता है ना कि अपन वैसे ही बच्चे चुन लेते हैं ना कि यार ये मेरे प्रिय में मेरे को जो अच्छा लग रहा है उसको अपन चुन लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको इग्नोर करके क्या मुझे क्या करना, तो वो सब अपन करते रहते हैं ना। तो ऐसा दायरा बनाते रहते हैं तो अपना पराया में मतलब झूठते रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा मॉडल भी नहीं है और ऐसी शिक्षा भी नहीं है इतना दिखा। तो शिक्षा व्यवस्था में भी उधर बाहर ऐसा कुछ चल नहीं रहा, तो आदमी आदमी के साथ ठीक से नहीं रह पा रहे पर, और उससे समाज में एक भय बढ़ता जा रहा है ना, और आदमी आदमी से डरता जा रहा है कि अरे मेरे साथ कुछ करना दे, कभी भी कुछ हो जाए। तो ऐसा दिक्कत है ही अपन देख ही सकते हैं इतने साल में बाहर जो भी हो रहा है, मैंने भी खुद देखा जितने साल में बाहर रही, तो ये सब मुझे वहाँ पर दिखा। तो फिर यहाँ पर आने के लिए, यहाँ आने के बाद एक विकल्प मिला कि ऐसा बताया जा रहा है कि आदमी सामाजिक इकाई, तो सामाजिक इकाई में भी एक शादी होता है, तो शादी भी एक सामाजिक इकाई में अपन करते हैं, एक बच्चा होता है उसको एजुकेशन के लिए भी बाहर मतलब सामाजिक वातावरण उसको चाहिए। फिर अपने को कुछ भौतिक चीज़ों के लिए भी अपने को सामाजिक समाज में जाना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी एक ही चीज़ थोड़ी ना होगा पाएगा, तो वो भी ऐसा लगता है। तो उसके लिए एक शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत तो लगती है और वो यहाँ पर उपलब्ध है। और एक आदमी को कैसे जीना चाहिए जिससे ना आदमी का शोषण हो और ना ही प्रकृति हो, तो शिक्षा में आदमी आदमी के साथ कैसे भय मुक्ति हो जाए, तो उसके लिए व्यवस्था ढांचा ढांचा ऐसा बना पाए, इतने सारे लोग मिलकर अपन बनाया, ताकि ऐसा भी लगता नहीं है किसी को भी कि यार यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर लिया मेरे साथ तो उससे मतलब मैं मुक्त हूँ कि यार कुछ होगा नहीं। और समझने समझाने के लिए एक शिक्षा के वातावरण भी अपन अवसर क्रिएट कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पर उसका अभ्यास भी करते रहते अपन, जैसे कि गौशाला है, किचन है, खेती विनिमय, कि भाई अपने को कितना समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर अपन जाके आदमी को बता पाए कि कितना मुझे समझ में आ रहा है ना, ताकि वो आपकी स्थिति को देख के आपको और मतलब सहयोग कर पाए अपने को उस चीज़ में, ताकि कोई भी दिक्कत है तो अपने को समझ कर अपन आगे चल पाए उस चीज़ में। और फिर अपनी भौतिक आवश्यकता होती है कोई, तो उसकी पूर्ति के लिए अपन उत्पादन क्षेत्र में भागीदारी करते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थागत विधि से कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आदमी सुखी होता दिखाई देता है, क्योंकि अपन तो क्रम में कि अपन चल रहे हैं किसी का अनुकरण करके, अभी ये नया नया चीज़ है, अभी उसको समझ ही रहे हैं हर कोई आदमी, तो कोई आदमी मतलब अपन पहचान करते हैं कि यार ये समझने वाला है, तो कोई एक अवसर की मतलब व्यवस्था बन गई तो जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए भी उसमें मेरा निर्णय समाया हुआ है। तो ये सब चीज़ का मैं भी खुद अभ्यास अभी अपने में कर ही रही हूँ, क्योंकि अपन एक तो योग्य नहीं है कि अपन निर्णय ले पाए, क्योंकि अपन भी कहीं ना कहीं प्रिय हित लाभ अभी छूटा नहीं है मेरा खुद का भी, कि यार मैं खुद का कि यार मेरा प्रिय कहीं छूट ना जाए, लाभ या हानि कैसा वो ना हो जाए, तो वो निर्णय लेने की अभी योग्यता नहीं है। तो व्यवस्था विधि से कोई निर्णय ले तो उसी में मैं सुखी हो पाऊंगी ऐसा मुझे लगता है। और फिर जो भी कुछ प्रवृत्तियाँ तो बाहर से आई है, ऐसा तो ना कि यार मतलब प्रवृत्तियाँ नहीं है, तो कुछ प्रवृत्तियाँ हैं तो उसको समझने से ही वो विलय होती, तो धीरे धीरे जब इतना अपन अभ्यास करते रहते हैं ये सब चीज़ में तो वो विलय होती जाती है धीरे धीरे। तो कुल मिला के इतना समझ में आया कि सामाजिक होना मतलब कुल मिला के विचार में सामाजिकता होना है, विचार में सामाजिक होते हैं अपन, तो उसके लिए सारे कार्यक्रम अपने को दिखते हैं कि इतना सब अपन करते रहते हैं, तो इतना मेरे को फ्यूचर में दिखता है और ये सब यहाँ पर मैं अभ्यास करती हूँ, बस इतना ही मैं देख पा रही हूँ। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछूँ।
टॉपिक मतलब कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मुझे लगता है अब और एक बार बताइए कि व्यक्तिवाद क्या है ना, आपने कैसे इसको देखा और उससे क्या हानि होता है समाज में, उसको एक कंक्लूड करिए ना। आपने बहुत सारी चीजें बताया जो कि मुझे लगता है ऐसा ठीक ही बात है सब, लेकिन व्यक्तिवाद क्या है ना, ये मैं ऐसे लास्ट में मुझे मिला नहीं है, बताएंगे आपके। मतलब कि भाई आपको अपना खुद का मतलब खुद के ऊपर अपन लेके चले, अपने को कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि उससे प्रकृति का नुकसान हो या किसी आदमी का नुकसान हो, बस आपको कैसे आपको सुविधा और ये सब चीज मिल जाए उसके लिए अपन व्यक्तिवाद मतलब कि यार मैं कैसा मेरा भला हो जाए, और फिर कुछ दायरा बना लेते हैं, जैसे मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है तो फिर आपको लेके मैं चलती हूँ कि यार अपन दोनों को कुछ अच्छा हो जाए, बाकी लोगों का अच्छा ना हो तो चले, अपन दोनों मतलब ऐसे तो ऐसे दायरे बनाते जाते हैं छोटे छोटे और उसी में देखते हैं, फिर आगे अपन आगे पीछे को नहीं देखते किसका नुकसान हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है कौन सुखी हो रहा है, अपन उसका नहीं देखते, अपना अपना ही देख के चलते हैं। तो ये व्यक्तिवाद मेरे को ऐसा लगता है। तो आदमी तो सामाजिक इकाई है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप अकेले कैसे चलोगे, आप उसमें मतलब सामाजिक आदमी हर चीज के लिए, तो आपको कोई भी आप अकेले करोगे तो फिर मतलब अहंकार बढ़ेगा ना अपना यार, कोई भी चीज आपके लिए इतना सारा, जैसे एमसीडी के खड़ा हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मेहनत हुई तब जाके ये इतना ढांचा खांचा बना, तब जाके लोग प्रभावित हो गए, मतलब थोड़ा इधर आने के रुक जाते हैं ना, तो अभी तक ये नहीं होता तो अपने अंदर मतलब मेरे अंदर फिर ऐसा नहीं होता है कि यार ये सब मतलब एक ही आदमी की वजह से नहीं, वो इनकार हो जाता क्या, फिर विश्वास हो जाता कि ये तो मेरा ही है आपके लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो कैसे ये सब चीज शिक्षा में जाए, वो उसके लिए मैं कुछ कुछ चीजें देख पा रही हूँ उसमें और उसमें मैं भी लग पा रही हूँ। मुक्ति आप मुक्त मतलब मुक्ति के लिए काम, ऐसा मुझे लगता है कि मुक्ति के लिए अपन काम करते हैं तो वो छूटता नहीं, ऐसा लगता है मुझे, कोई भी चीज मतलब आप बड़े लेवल पे सोचते रहते हो, जैसे व्यवस्थागत यहाँ पर कोई चीज का निर्णय लिया जा रहा है तो मेरा भी उसमें समाया ही है, मैं अपने उसमें लेके नहीं चले क्या मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कोई समझ के अनुसार ही लिया जा रहा है तो मेरे लिए ठीक ही है। आप व्यक्तिवादी नहीं हो, नहीं हो कैसे पता चलेगा, आप इधर अभ्यास कर रहे हो, व्यक्तिवादी जिंदगी जीने के लिए आप इधर हो या आप कैसे जिंदगी जी रहे? मैं सामाजिक होके जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारे कार्यक्रम को स्वीकार करके मैं इसका आपको कैसे पता चलेगा कि आप मतलब व्यक्तिवादी से मुक्ति हो चुके हैं और आप सामाजिक नहीं हो, उसका पता चलेगा व्यक्तिवाद भाई अपना पता चलता है ना कि यार अभी तो मैं जितना सोच पाती हूँ समझ पाती हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं अटका पड़ा है कि मैं कोई ना कोई दायरा लेके चलती हूँ ना, कि मैं सबके बारे में भी सोचती हूँ, कोई भी चीज मैं अपना लेके खुद का लेके चलती हूँ। आप ठीक ही कह रहे हो कि कोई दायरा हम लेके चलते हैं, दायरा की पहचान कैसे होगी और फिर वो पहचान हो जाएगी तो उससे मुक्ति कैसे होगी। तो व्यक्तिवाद, वाद का मतलब क्या होता है, सुखी होने के लिए जो भी विचार आप कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाद का मतलब है कि प्रिय हित लाभ पूर्वक सुखी होना ही व्यक्तिवाद, तो उसमें एक व्यक्ति जैसा सुखी हो तो दूसरा ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रिय हित लाभ में जो भी सोचेगा जो अच्छा रहेगा दूसरे के लिए नहीं है वो, इसलिए वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर कर गया है, और व्यक्ति जो शरीर से या किसी व्यक्ति से या प्रिय हित लाभ से, तीनों एक ही बात है, किसी व्यक्ति से या किसी शरीर से या शरीर की इंद्रियों से हम जब सुखी होने की बात करते हैं उसका नाम व्यक्तिवाद, वो अपने आप एक दायरा है, ठीक है ना। ऐसे अब व्यक्तिवाद से मुक्ति कैसे होगी, तो न्यायपूर्वक जीने से व्यक्तिवाद से मुक्ति होगी, न्याय क्या है उभय पक्षी। अब ठीक ही कह रहे हो कि मनुष्य सामाजिक इकाई है, हम अपना लेके चल रहे हैं दूसरे सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, न्याय क्या चीज है, दोनों इन्वॉल्व हो जाते उभय पक्षी। तो व्यक्तिवाद क्या है, तो प्रिय लाभ और उससे पैदा होने वाले जो भी सुख है उसी को सफलता मानना, इंद्रियों के सुख को सफलता मानना, ये सारा व्यक्तिवाद। यार कोई पैसा हमको सुखी करेगा या कोई आदमी हमको सुखी करेगा वो भी व्यक्तिवाद है,
हम सब विचार पूर्वक सुखी होते हैं, समाधान पूर्वक सुखी होते हैं, तो जो न्याय पूर्वक जीने की बात होती है तो समाधान पूर्वक होती है, ऐसा कुछ है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इतने भारी भारी शब्द नहीं लेने चाहती थी, इसलिए थोड़ा सिंपल में मतलब मैंने ये मतलब न्याय मतलब ये चीज मुझे ऐसा लगा, तो मैं अपने मतलब मैं से भी जुड़े ताकि वो सब चीज एक दूसरे से जुड़े, इसलिए बहुत तैयारी करना चाहिए। हाँ और किसी को कोई प्रश्न? धन्यवाद धन्यवाद।